गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है। मैं विशेष रूप से हमारे कटाराय कड़कमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धा भाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। गोविंद गुरु का वो चिंतन, वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रदीप्त हो रहा है। और उनकी संप सभा, देखिए शब्द भी कितना मार्मिक है, संप सभा, समाज के हर तबके में संप भाव पैदा हो, इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्श आज भी एकजुटता, प्रेम और भाईचारा की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके भगत अनुयायी आज भी भारत की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन, तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। काना क्रांति के रूप में जल उठी। इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की।
वो बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना। साथियों, गुलामी के शुरुआती सदियों से लेकर 20वीं सदी तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आदिवासी समाज ने स्वाधीनता संग्राम की मशाल को थामे न रखा हो। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम रामराजू गारू के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने रंपा क्रांति को एक नई धार दे दी थी, और राजस्थान की धरती तो उससे भी बहुत पहले ही आदिवासी समाज की देशभक्ति की गवाह रही है। इसी धरती पर हमारे आदिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत बनकर के खड़े हुए थे। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के, इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। भाइयों बहनों, देश में आदिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमिका इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर और ओडिशा तक विविधता से भरे आदिवासी समाज की सेवा के लिए आज देश स्पष्ट नीतियों के साथ काम कर रहा है। वन बंधु कल्याण योजना के जरिए आज जनजातीय आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आज देश में वन क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, वन संपदा भी सुरक्षित की जा रही है, और साथ ही आदिवासी क्षेत्र डिजिटल इंडिया से भी जुड़ रहे हैं। पारंपरिक कौशल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले, इसके लिए एकलव्य आदिवासी विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। यहां इस कार्यक्रम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूं, जहां गोविंद गुरुजी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के भव्य प्रशासनिक कैंपस का लोकार्पण करूंगा। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है। आपने देखा होगा, कल शाम ही मुझे अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। 300 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना
राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासी क्षेत्र गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टूरिज्म को भी बड़ा लाभ होगा, यहां के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी, इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावनाएं बढ़ेगी। साथियों, अभी यहां मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए।